नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर मकराना से है, जहां नागौर देहात में 15 तारीख से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर मकराना विधानसभा में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में परिवर्तन यात्रा के स्वागत हेतु आने की अपील की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष डॉक्टर रजनी गावड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के साथ साथ अगर प्रदेश में भी बनती है तो अवश्य ही महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और राजनीति में सहभागिता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आती है तो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास का पहिया स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा। कुचामन मंडल अध्यक्ष कलावती गटानी ने कहा कि वर्तमान सरकार के 4 साल के राज में हमने महिलाओं पर अत्याचार, पेपर लीक प्रकरण, भ्रष्टाचार ही देखा है। उन्होंने कहा कि अगर अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। बैठक में मंडल अध्यक्ष तारा मुंद्रा, जिला उपाध्यक्ष कल्पना जैन, राधा, शर्मिला, चंद्रकंवर, संतोष, सीता, शशि, जयश्री, विजय सहित अन्य महिलाएँ मौजूद रही। मकराना से मतिन रांदड़ की विशेष रिपोर्ट।